एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी रोशन पहाड़े। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट 10th। काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए थोड़े ज्यादा पार्ट्स आए इसके। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्किन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में स्टार्ट किया था। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। जो नेक्स्ट है, दैट इज हैलोजिनेशन। अब यहाँ पे हैलोजन से आपका मतलब है कि आपको हैलोजन को ऐड करना है। सो हैलोजिनेशन में अभी क्या होगा, हम लोग हैलोजन को यहाँ पे ऐड करेंगे। जब आप हैलोजन्स को यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो आपका अल्कीन है यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसको आपको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम लोग ऐसे रिमूव करेंगे और ClCl जो है ये आपको क्या करना है, वहां पे अटैच कर देना है। तो CH2CH2 ऐसे ही होगा, डबल बॉन्ड की जगह पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा और ये जो Cl है ये आपको वहां पे अटैच कर देना है। तो ClCl वहां पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है हैलोजन एसिड के साथ में। हैलोजन एसिड मतलब एसिड यानी कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके साथ में आपको एक हैलोजन चाहिए, इसको बोला जाता है हैलोजन एसिड। अगेन सेम रिएक्शन, जैसे आपने यहाँ पे Cl2 डाला था, यानी दो सेम एटम्स डाले थे, यहाँ पे हम लोग दो डिफरेंट एटम्स का यूज करेंगे। तो एक हाइड्रोजन आप एक तो हाइड्रोजन या Br आप यहाँ पे प्लेस करें, जो आपने यहाँ पे प्लेस कर लिया उसके अलावा आप इसको यहाँ पे प्लेस करिए। तो मान लीजिए हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, तो ब्रोमिन मुझे यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, तो फिर हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ब्रोमिन यहाँ पे आ जाएगा। अब कोई कोई इसका अपोजिट भी कर सकता है, ब्रोमीन को यहाँ पे प्लेस कर सकता है या फिर हाइड्रोजन को यहाँ पे प्लेस कर सकता है। ये आपकी थर्ड रिएक्शन थी। नेक्स्ट हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब जो H2SO4 है उसको मैंने ब्रेक करके कुछ ऐसे लिखा है, H एंड HSO4, ताकि हम लोग इसका माइग्रेशन वहां पे कर सके। तो ये हाइड्रोजन एक जगह पे ऐड हो जाएगा और जो HSO4 का ग्रुप है वो दूसरी जगह पे ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा फिर आपको। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया हाइड्रोजन को फर्स्ट कार्बन पे अटैच कर दिया और HSO4 ये जो आपका सेकंड कार्बन है उस पे अटैच कर दिया। तो आपका जो ग्रुप है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका नाम हम लोग लिखते हैं इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट ओजोन की रिएक्शन है। अब ओजोन से आप सबसे पहले तो ये समझ लिए, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। अब ये जो O3 है ये हमको डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करना है। डबल बॉन्ड के अक्रॉस कैसे ऐड होगा वो बात याद रखिए। एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपको कार्बन की 4 वैलेंसीज एंड ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज को हमेशा कंप्लीट करना है। इस बात को आपने बाईपास नहीं करना है। अब देखते हैं क्या होता है। डबल बॉन्ड आपको ऐसे सीधा रिमूव कर देना है, CH2CH2 आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट करनी है, ऑक्सीजन की भी 2 करनी है और ऑक्सीजन कुल मिला के आपको 3 टाइम्स यहाँ पे ऐड करना है। तो हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन इधर लिखा, एक यहाँ लिखा, यहाँ लिखा और उन तीनों ऑक्सीजन को कार्बन के साथ में आप लोगों ने अटैच कर दिया। तो एक ऑक्सीजन जब यहाँ पे आया वो आपने कार्बन के साथ में अटैच किया, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे, ये दोनों रिस्पेक्टिवली कार्बन के साथ में अटैच होंगे और ये दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच किए जाएंगे। अब ये जो कार्बन है इसकी 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन ने कंप्लीट की, एक एक वैलेंसीज ऑक्सीजन से कंप्लीट हुई। यहाँ पे भी ये जो कार्बन है 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट हुई, एक एक वैलेंसी ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन की ये 2 वैलेंसी और इस ऑक्सीजन की ये 2 वैलेंसीज। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ओजोनॉइड। फिलहाल हमारे पास 2 कार्बन है इसलिए इसका हमने जो नाम लिखा है दैट इज इथिनिल ओजोनॉइड। ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें हम लोग करने वाले हैं ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे हमने लिया है। आगे हमें चाहिए था वाटर, लेकिन फिलहाल मैंने उसको ब्रेक करके लिखा है HO और H में, और हमें नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करना है, लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करने के लिए आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा। तो यहाँ पे हमने अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 जब आप एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो उसको बेयर्स रिएजेंट या फिर बेयर्स टेस्ट ऐसा बोला जाता है। ये आप याद रखेंगे कि ये क्या होता है। अब यहाँ पे KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, एक्सेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। अब देखिए आपको करना क्या है, डबल बॉन्ड को आपको सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को रिमूव करेंगे, ये OH और ये एक OH आप उसको अटैच कर देंगे, यानी 2 OH के ग्रुप आप यहाँ पे एक कार्बन को एक OH और दूसरे कार्बन को एक OH आप अटैच करेंगे और ये जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में। अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये 1, 2 है, 2 कार्बन यानी कि इथ बॉन्ड सिंगल है यानी कि AnE, लेकिन OH मेरा सफिक्स आता है तो मैं E नहीं लिख सकता और ये क्या आएगा 1, 2 OL 2 बार है, जिसमें मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायोल ऐसा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन, बहुत इजी रिएक्शन है।
जो इथिन है इसको इथिलीन भी बोला जाता है। ये मॉलिक्यूल आपको एन टाइम्स लेना है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो होगा क्या, आपको इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और ऐसा बताना है कि इस बॉन्ड की लॉन्ग चेन फॉर्म हो रही है, और जो एन आप पहले लिखते हैं वो आपको इस तरह ब्रैकेट से नीचे लिखना है। ये एरोस ब्रैकेट के बाहर जाना चाहिए ताकि वो इंडिकेट हो इट इज इन अ लॉन्ग चेन। अब इथिन आपने किया, पॉलीमराइजेशन किया, तो इथिन ये नाम वैसे ही लिखना है, उसके आगे आपको सिर्फ पॉली लगा देना है। तो इथिन था, इसका नाम हो जाएगा पॉली इथिलीन। यहाँ पे हमारे जो डबल बॉन्ड के रिएक्शन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी ट्रिपल बॉन्ड को स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड में अल्काइन में, यानी कि ये जो वाई एन ई है, इसके पहले हम लोग प्रिपेरेशन देखते हैं। फर्स्ट इज द लैब मेथड, ये कैल्शियम कार्बाइड होता है, तो ये है CaC2। कैल्शियम कार्बाइड मतलब है CaC2। इसके रिएक्शन हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के साथ में करेंगे 2 times, लेकिन मैंने वाटर मॉलिक्यूल को थोड़ा सा अलग से लिखा है बैलेंस आपको समझने के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। कैल्शियम कार्बाइड को इस तरीके से जब आप रिप्रेजेंट करते हैं और मुझे हाइड्रोजन लाना है, अब मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड को इस तरीके से यहां से रिमूव कर दूंगा, तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, दिस इज 2 carbon है इसीलिए इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए YME। अब क्या बच गया, CA बचा है और OH 2 times बचा है, सो दैट विल बी CaOH twice। नेक्स्ट अगली एक जो रिएक्शन है हमारे पास, अब देखिए ये जो रिएक्शन है ये CH2Br एंड CH2Br ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको एक्सपांड करके लिखा है समझाने के लिए। उसकी रिएक्शन हम 2 times आई मीन KOH के साथ में करेंगे इन अल्कोहलिक मीडियम। अब इसमें क्या होगा, आप देखिए ये जो K है, KBr जो है ये यहाँ पे एक बार रिमूव हो जाएगा, सो यहाँ पे 2 times जो KBr का मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है। बाद में ये जो हाइड्रोजन आप लोगों ने लिखे वो, और ये जो OH है, तो ये 2 times H2O भी यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब क्या होगा, ये CH बचा और ये CH बचा, लेकिन कार्बन की वैलेंसीज कुछ भी नहीं बची अभी तक अदर देन हाइड्रोजन और ये बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप देखिए तो इस कार्बन की 3 valencies यहाँ पे एक हाइड्रोजन से कंप्लीट, और इस कार्बन की भी 3 valencies यहाँ से और एक हाइड्रोजन से कंप्लीट होती है। तो हमारा जो अल्काइन्स का प्रिपेरेशन है वो पूरा हो गया है। अब वो जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है उसे केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे बाय एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कि हमने इथिन में भी अल्किन्स में भी किया था। क्या करना है आपको, इथिन लेना है जो आप लोगों ने प्रिपेयर किया है, और उसका हाइड्रोजनेशन आप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। जब आप हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या होगा, एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो शुरुआत में इसका नाम क्या आएगा, आप यहाँ पे इथाइन, और हाइड्रोजनेशन करने के बाद में इट हैज बीन कन्वर्टेड टू इथीन। ठीक है, आप चाहे तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आगे भी कंटिन्यू करना है देन अगेन आपको H2 ऐड करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो इथिन हाइड्रोजनेशन के बाद में हैज बीन कन्वर्टेड टू इथेन, इस तरीके से रिएक्शन आती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन किया, अब हम लोग हैलोजनेशन करेंगे। इन सिंपल लॉजिक है, जिस हिसाब से आप लोगों ने H2 ऐड किया था उस हिसाब से कौन सा भी हैलोजन वहां पे ले रहे, हम लोग यहाँ पे CL ले रहे और एडिशन सेम आपको कर रहे हैं। तो वापस क्या होगा, यहाँ पे ये इथाइन था, इथाइन में हमने क्या किया CL2 को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एक CL को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो एक एक CL को हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अगेन हम लोग इसमें क्या करते हैं Cl2 के एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो और CCl जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब इसका आप नाम कैसे लिखेंगे, दिस इज 1 and 2, सो 1, 2, 2 tetrachloroethane, इस हिसाब से इसका नाम आएगा। नेक्स्ट इज विद एन हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड से आपका मतलब क्या है, एसिड यानी एच, और हैलोजन मतलब कौन सा भी एक एक्स का ग्रुप उसके साथ में अटैच होना चाहिए। सो ये आपके पास CC यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, HBr आप उसके साथ ऐड करेंगे। आप किसी भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन को ऐड करें और किसी भी एक कार्बन पे ब्रोमीन को ऐड करें, तो मैंने इस कार्बन पे हाइड्रोजन को अटैच किया है, इस कार्बन पे ब्रोमीन को अटैच किया है, तो आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड में। अब इस रिएक्शन को हम लोग आगे वापस कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ HBr। जब आप इसके बाद में इसको वापस ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन अगेन मैंने फर्स्ट कार्बन पे अटैच किया है और ब्रोमीन को मैंने सेकंड कार्बन पे अटैच किया है। अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, दिस इज 1 and 2, सो 1, 1 dibromoethane, इस हिसाब से इसका नाम आएगा। नेक्स्ट इज ओजोन, अगेन दिस इज O3। ये रिएक्शन हम लोगों ने इथिन में भी ली थी, अब उसमें और इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस ये है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तब हमारे पास डबल बॉन्ड था तो हमने बीच में बॉन्ड नहीं लिया था, मेरा लास्ट वीडियो देखिए उसमें ऐसा है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है
तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉन्ड यहाँ पे बीच में दिया हुआ है हम लोगों ने, तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड्स को हम लोगों ने ब्रेक कर दिए, एक बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड जो आप लोगों ने ब्रेक किए हैं उसको आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कीजिए। अगेन आपकी कार्बन की 4 वैलेंसीज एंड ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इस कार्बन की 1, 2, 3 और 4, इस कार्बन की भी 1, 2, 3 और 4, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। ये जो आपका ऑक्सीजन है इसकी ये दो वैलेंसीज, इस ऑक्सीजन की ये दो और इस ऑक्सीजन की ये दो। इथेन का कॉमन नेम एसिटिलीन होता है, तो ये जो ओजोनाइड हमने बनाया है इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, एसिटिलीन ओजोनाइड। अगेन दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो इथेन का कंपाउंड है वो वैसे ही रखा है, अब हम लोग उसकी जो रिएक्शन करने वाले हैं वो करेंगे अल्कलाइन KMnO4 के साथ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अल्कलाइन KMnO4 यानी कि ये बेयर्स टेस्ट हो जाएगा, या फिर इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। अल्कलाइन KMnO4 यानी आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, एकदम सिंपल रिएक्शन है। आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच एन एच है, आप क्या करो दो ऑक्सीजन सी एच के बीच में प्लेस करो और अगले दो ऑक्सीजन सी एच के बीच में प्लेस करो, तो सी सी ऐसे ही था, एच एच भी ऐसे ही था, दो ओ आपने क्या किया उसमें प्लेस कर दिए, जिसकी वजह से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड। अब ऐसे कंपाउंड का कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड, ये आपको याद रखना है कि सी डबल ओ एच विद अ बॉन्ड सी डबल ओ एच, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हम लोग को यहाँ पे बताना है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब देखिए इथाइन आपके पास है, CuCl है और NH4OH है, ये आपके पास है। हम लोगों ने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन है इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया कॉपर के साथ में, तो जो CH था वो क्या हो गया CCU, इस तरीके से आ गया। बॉन्ड्स भी वैसे ही है, इसका नाम कॉपर एसिटाइल ऐसा लिखा जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन आप लोगों ने रिप्लेस कर दिए उसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, OH के साथ में, तो एच एच और ये ओ एच दो बार, ये आपको क्या दे देगा, 2 times H2, यहां से ओ एच चला गया, यहां से सी ओ चला गया, तो बचा क्या आपके पास NH4 और ये Cl, तो ये NH4Cl के दो कंपाउंड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन है, वापस अभी की सिर्फ क्या फर्क पड़ जाएगा, NH4OH कॉमन है, ये जो CuCl है उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या किया, AgNO3 की रिएक्शन यहाँ पे ली है। अगेन हम लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो H है इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया Ag के साथ, तो C ट्रिपल बॉन्ड C वैसा ही है, H को रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे Ag आप लोगों ने यहाँ पे दो बार लिखा। अब ये जो H आपने रिमूव किया है तो ये H H और ये OH दो बार आप रिमूव करेंगे तो आपको क्या दे देगा, H2O। अब क्या हुआ, यहाँ से NH4 बचा और यहाँ पे ये NO3 बचा है, तो ये NH4 NO3 जो है ये कंपाउंड यहाँ पे बाहर निकलेगा। ये जो मेन कंपाउंड फॉर्म हुआ वो था सिल्वर एसिटाइल। अब देखिए ये चैप्टर में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, आई मीन ये लेक्चर, चैप्टर का एकदम छोटा सा पार्ट बाकी है, आई मीन जो अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे इसके दो पार्ट्स बाकी है, ऑलमोस्ट ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूं। आपके कुछ भी डाउट्स है उसे नीचे प्रेस कीजिए। थैंक यू।